माय चैनल स्वीट लाइफस्टाइल आई एम स्वीटी। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हैशटैग नवरात्रि सीरीज एंड आज मैं शेयर कर रही हूँ व्हाइट साड़ी मेकअप लुक डे 5 लुक। आई होप आपको ये लुक मेरा पसंद आएगा। सो अगर आप देखना चाहते हो उस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की विटामिन सी एंड B3 फेस सीरम एंड ये स्किन ग्लो सीरम है जो आपके फेस पे बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर के लिए यूज़ कर रही हूँ न्यूट्राडर्म की मॉइस्चराइजर लोशन एंड इसमें विटामिन ई है सो आपके फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। एंड गाइस ये मुझे बहुत पसंद है सो अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। ये ड्राई ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट प्राइमर के लिए यूज़ की हूँ मैं मेबलिन की मास्टर प्राइम एंड ये एंटी रेडनेस प्राइमर है सो आपके फेस पर जो भी पिगमेंटेशन है उसको हाइड करेगा। नेक्स्ट मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की फोटो फोकस फाउंडेशन एंड शेड वगैरह आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं वहाँ पे सारी डिटेल दे दूंगी प्रोडक्ट की। स्पैचुला की हेल्प से मैं पूरे फेस पे अप्लाई की हूँ देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ कलर बार का। नेक्स्ट कंसीलर के लिए यूज़ की हूँ स्विस ब्यूटी की कंसीलर सो इसे मैं अपने यूजर फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड अपने आई लिड पे भी अप्लाई करूँगी एज ए आई प्राइमो देन मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सबको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने फेस एंड कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी लूज फिनिश पाउडर एंड इसमें जो मेरी शेड है वो है 20 लाइट मीडियम। सो जहाँ जहाँ मैं कंसीलर अप्लाई की थी वहाँ वहाँ लगा के इसे अच्छे से सेट कर लूँगी एंड अपने पूरे फेस को भी इसे सेट कर लूँगी। नेक्स्ट आईब्रो को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट की ब्रो डिफाइनर एंड अगेन शेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं आई शेडो पैलेट के लिए यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा की आई शेडो पैलेट एंड इसमें से मैं ये लाइट ट्रांजिशन शेड लेके अपने क्रीज को डिफाइन कर रही हूँ क्रीज लाइन को जैसा कि आप देख रहे हो। देन मैं सेम पैलेट से ये पर्पल शेड लेके मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ। अपने आउटर वी पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ एक डेप्थ देने के लिए एंड इसे मैं अंदर की तरफ ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट से ये शिमरी शेड लेके अपने पूरे आईलिड पे से अप्लाई करूँगी एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से। देन मैं एक क्लीन ब्रश की हेल्प से अच्छे से सबको ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ स्टे कॉर्की की लिक्विड आईलाइनर। बेसिक आईलाइनर यहाँ पे क्रिएट करूँगी।
नेक्स्ट काजल के लिए यूज़ की हूँ NYBA की द बिग एप्पल ऑफ माई आई काजल, एंड ये बहुत ही अच्छा काजल है, एंड अफोर्डेबल भी है. सो इसे मैं अपने लोअर एंड अपर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ. मैं सेम पर्पल शेड को अपने लोअर लैश लाइन पर स्मच कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की प्रो ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट, एंड इसमें से मैं ये कंटूरिंग शेड लेके अपने फेस को अच्छे से कंटूर कर लूँगी अपने यूज़र प्लेस पे. देन मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने नोज़ को भी कंट्रोल कर रही हूँ, एंड देन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जिससे कोई भी हार्श ना दिखे. नेक्स्ट मैं सेम पैलेट से ब्लश अप्लाई कर रही हूँ. देन मैं सेम पैलेट से हाइलाइटर शेड लेके अपने यूजुअल प्लेस पे हाईलाइट करूँगी. देन मैं सेम हाइलाइटर से अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी. एंड देन अपने आईज के इनर कॉर्नर को भी. नेक्स्ट मैं लिप बाम यूज़ कर रही हूँ नेविया की अपने लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मैट लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ. सो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ की हूँ यहाँ पे पर्पल की लिप क्रेयॉन, एंड मैं शेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लीजिएगा. एंड लास्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा की मेकअप फिक्सर. सो गाइज, दिस इज़ दी फाइनल लुक. आई होप आपको ये लुक पसंद आएगा. अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा. एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड तो गाइज, तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लुक के साथ. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.